दोस्तों ये मैं पूरी की पूरी कच्ची खाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एकदम सुपर मस्त है। कच्ची मशरूम भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको पकाने के बाद तो ये क्या बात है यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको फाड़ के। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इसको मैंने फाड़ दिया। तो इसके अंदर ऐसा होता है दोस्तों, देख लो ये इस तरह का कुछ होता है। तो इसे हम सब्जी के तौर पर खाते हैं और ये बहुत ही बहुत ही बहुत टेस्टी है। यहाँ पर हमारे यहाँ तो एक गोल्ड जैसा माना जाता है इसको, बहुत ही लोग ढूंढते हैं खाते हैं। तो बहुत सारी ये देखो मछलियां जैसी लग रही है, ये देख लो। कहाँ का दोस्ता रही थे आज आपने व्लॉग आम नो हो जो बराबर थे तुम्हारा। आज मैं देखाड़े में आज पाचा का लिया हमने लो हो जो ये री लेवा इका खाई। तुम्हारा नाव नहीं खबर भी थे मैं तुम्हारा आखी दे या तुम्हारा तो खबर ही रही दोस्ता रही। ये अपनी आईम बधा ही फेवरेट एरी लेवा ते ये आज मैं रांधू नो हो जो ने खम नो हो जो एरी लेवा। हाय 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 ये लेवा ये आड़िम ये आड़िम ये आड़िम ये दूसरा भी है ये ते होना थी कीमती वधर कीमती ते होना करता वधर कीमती आखिर तो हाँ आई ते इरी लेवा दोस्ता रही। आड़िम आड़िम कोया नाई भावे हम बने नहीं। आज ना व्लॉग में मैं आड़िम पासी बनावनो हो जो एक जगह थी काढ़ी लमने लाई ई जगह नाव हो जा नहीं नहीं नाव ना खाई कहे कपाठी ना रेड पड़ी जाए उले हेरी लेवा इमी में डांडा डांडा काढ़ी तो देखाड़े उला सरस लागी ने। एक मिनट होगा हेरी लेवा आऊ ते ई अम मैं इमी खामनो हो जो ये ओरिजिनल देसी आड़िम बधाई फेवरेट ते चला ये हमें मैं धोवी काढ़े ने आजू मैं बनावे ताई पेला वीडियो में होजी ती दुहरी आड़ी में आई होगा नहीं दुहरी आई तुम्हें आखे का तीज होजी पुन एरी लेवा दांडे एरी लेवा ते चेक करी ले जा कोई हाँ वे का वीडियो में तीज थई भी ते नवी ब्रांडिंग ने लिया ही मी चौमा हमा ते चलाई मैं धोवी काटे ताई ने पाठी में खाऊं खाऊं कर लाखे आज पासी आड़ी माड़ी 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 एरी लेवा ते दोस्तार अमे में आड़ीम आखी धोबी काढ़ी हो जी ने थोड़ी क्वार मा पाठी चालू करूं। ते अमे में आड़ीम पानी थी धोबी लाई की आई ने अमे में तुम्हारा दिखाड़े कही। दोस्तों ये है दुनिया की सबसे महंगी मशरूम देख लीजिए आप। तो इसे दोस्तों कहीं भी उगाया नहीं जाता है, ये कुदरती तौर पर अपने आप से निकलती है ये। इसका कोई बियारण या कुछ भी नहीं है, इसके बीज भी नहीं होते तो ये अपने आप निकलती है, इसीलिए ये बहुत ही महंगी है। आप देख लीजिए दोस्तों मेरे पास बहुत है और ये सिर्फ आपको गांव में मिल जाएगी, गांव में, बाकी ना कि कोई किसी शहर में या कहीं भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको गांव में मिलेगी। देख लीजिए तो आज मेरे पास है ये और दोस्तों इसका भाव भी रेट भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों देख लीजिए ये मेरे पास है तो अभी मैं इसको खाऊंगा। इसको मैं बेच नहीं सकता क्योंकि दोस्तों ये साल में सिर्फ एक बार निकलती है, तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ खाऊंगा। और दोस्तों ये सिर्फ आपको गांव में खेत के बाजू वाले हिस्से पर या कहीं भी ऐसी जमीन में उगी निकली होती है तो वहां से हमें निकालना पड़ता है, लेकिन ये आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए हमें बहुत ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों इसके अंदर कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको फाड़ के। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इसको मैंने फाड़ दिया। तो इसके अंदर ऐसा होता है दोस्तों, देख लो ये इस तरह का कुछ होता है। तो इसे हम सब्जी के तौर पर खाते हैं और ये बहुत ही बहुत ही बहुत टेस्टी है। यहाँ पर हमारे यहाँ तो एक गोल्ड जैसा माना जाता है इसको, बहुत ही लोग ढूंढते हैं खाते हैं। तो बहुत सारी ये देखो मछलियां जैसी लग रही है, ये देख लो बनाते हैं फिर इसको खाते हैं। तो ये देख लीजिए ऐसे करके मैं सारी की सारी ये जितनी भी मशरूम है इसको मैं ऐसे बना दूंगा।
तो इसका भाव भी बहुत ज्यादा है, इसका रेट भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर गांव में आपको ये 2000 रुपये प्रति किलो में मिल जाएगी दोस्तों, देख लीजिए। और ये मेरे पास है, ठीक है। और ये 2000 प्रति किलो मिलती है, यानी कि 20 किलो का 40,000, 2000 प्रति किलो यानी कि 20 किलो का 40,000 होगा, और 50 किलो का 100 और 50 किलो का 1,00,000 रुपया है इस मशरूम का। और हमारे देश में बड़े बड़े लोग और गरीब से गरीब लोग भी इसको खाते हैं, क्योंकि ये बाजार में बहुत ही ज्यादा भाव से ये बिकती है दोस्तों। तो ये गरीबों के लिए एक अच्छा इनकम भी है और स्वास्थ्य और खाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो आज मैं इसको मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे मिल चुकी है और ये मैं कहीं भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि दोस्तों ये नहीं मिलती आसानी से और इसको खाने से ही मजा आएगा, ठीक है। देख लो दोस्तों, ये देख लो पूरी की पूरी। तो आज मैं इसको खा जाऊंगा पूरी की पूरी और मजा आएगा। पैसा नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ये बहुत ही कम मिलती है। तो दोस्तों ऐसे इसको चीर देंगे हम लोग। तो दोस्तों देख लीजिए, मशरूम का हमने ऐसा कर दिया है, ये भुर्जा बना दिया है पूरा का पूरा। अब मैं इसको तवे में या कढ़ाई में कहीं भी डालकर इसको पकाकर खा जाऊंगा, देख लो। तो देखा जाए तो ये बहुत ही महंगी सब्जी है दोस्तों, ढूंढने से नहीं मिलती है, नसीब वालों को मिल जाती है, गांव में इसको पाया जाता है। तो दोस्तों ये मशरूम के साथ हम रोटियां खाएंगे, चावल की रोटी है। तो दोस्तों ऐसे अभी ये मशरूम का सब्जी तवे में डाल दिया है, देख लो। और ये इसका आवाज भी मैं सुनाता हूँ आपको, छन करके आवाज आ रही होगी। तो अभी इसमें हम देखिए, ये देख लीजिए, ये चटनी डाल दी है इसमें। ये मसाला वसाला डाल दिया और ये मशरूम का सब्जी बन रहा है। अभी इसमें तेल भी डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें अभी तेल डाल दिया, तेल डाल दिया। आवाज सुनो, आवाज। तो दोस्तों देख लो, अभी मैंने ये बना लिया है, देखो ये है मशरूम का सब्जी। और अभी मैं इसको खाने वाला हूँ, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो अभी देख लो दोस्तों, अभी ये सब्जी मशरूम का अभी मैं खाऊंगा। एक नंबर सब्जी, बहुत ही मस्त, मजा आ गया। बोला था ना इसके जैसा स्वाद कहीं नहीं, तो हमारा नसीब है ये हमको मिल गया, देख लो। इसको मैं खाऊंगा। अगली बार जिस जिस को ये मशरूम खानी हो तो बता देना कमेंट करके दोस्तों, और हमारा व्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे, और भी बहुत सारे व्लॉग आएंगे। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करना, शेयर भी करना, सबको बताना, और कमेंट खास करना, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो चलो अगले व्लॉग में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए दूसरा व्लॉग का इंतजार करो।